हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। और आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट टाइम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज क्रिएटेड। आपने बताना है लोकायुक्त सबसे पहले कौन से स्टेट में बना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त 1971 में कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया था। तो उड़ीसा में ये एक्ट 1970 में पास हो गया था, बट 1983 में इसे फोर्स में लाया गया था। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, महाराष्ट्र। और लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन होता है वो है लोकपाल। और करंट जो लोकपाल के चेयरपर्सन है उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ही इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर एज ग्रुप बाय द स्टेट वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द 76th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का जो फंडामेंटल राइट बना था वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू बना था। तो इन्होंने जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 76th अमेंडमेंट, बट इट इज रॉन्ग, इट वॉज बाय 86th अमेंडमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरियाज। यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर रूरल एरियाज में कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द कंक्रेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है। एजुकेशन को कंक्रेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड कर दिया गया था। एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट 1976 में 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था स्टेट लिस्ट से कंक्रेंट लिस्ट में। तो जो बाकी के थे वो कौन कौन से थे, फर्स्ट नंबर पे एजुकेशन, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फोर्थ इज वेट एंड measures, and fifth one is administration of justice, comma, constitution and organization of all courts except supreme court and high court। तो आप लोगों ने education के अलावा जो बाकी के ट्रांसफर किए गए थे सब्जेक्ट्स उनको भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, मींस इसका आंसर है ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। वन साइड पे आपको नेशनल पार्क दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे स्टेट्स दी हुई है। आपने बताना है कि कौन सी नेशनल पार्क स्टेट के साथ करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम में है, तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड इज पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये दिया हुआ है ओडिशा में। लेकिन पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। सो दिस वन इज इनकरेक्ट।
थर्ड इज मुकुर्थि नेशनल पार्क, जो किसके साथ दिया हुआ है, कर्नाटका के साथ। लेकिन मुकुर्थि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो ये भी क्या है, इनकोरेक्ट। फोर्थ वन इज दुधवा नेशनल पार्क, और ये मैचिंग भी हुई है यूपी के साथ, तो ये फोर्थ वन क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है, तो कौन सी ऑप्शन में है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में। सो वन एंड फोर ओनली इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म योद्धा ग्रंथ के ऑथर कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू, अमित शाह। ये कर्म योद्धा ग्रंथ जो बुक है अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी की लाइफ पर लिखी है। अमित शाह के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी एक सेंसिटिव मैन, एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड फियरलेस कमांडर है, और उन्होंने हमेशा राजा प्रथम सेवक के मंत्र पर ही काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट वॉज, फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, सेकेंड ऑप्शन है द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थर्ड है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट एंड तिलक ने इंडिया में स्टार्ट की थी, और होम रूल लीग मूवमेंट को इरिश होम रूल लीग मूवमेंट के बेसिस पे ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो किसके लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका आंसर है इरिश होम रूल लीग मूवमेंट के बेसिस पे। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो ऑलमोस्ट सारे इंडिया को कवर करती थी, लेकिन जो तिलक की लीग थी वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में थी, और एनी बेसेंट की लीग की 200 ब्रांचेस थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनी बेसेंट वॉज फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर जो थी वो एनी बेसेंट नहीं थी। इसको मैडम एच पी ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकट ने यूएस में फाउंड किया था इन द ईयर 1875, और बाद में 1882 में इसका हेडक्वार्टर अद्यार इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया था। अद्यार जो है वो मद्रास के आउटस्कर्ट पे है। सो एनी बेसेंट इसकी फाउंडर नहीं है, इनके फाउंडर कौन है, मैडम एच पी ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके फाउंडर के नेम भी पूछते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। थर्ड ऑप्शन है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ऊपर डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में कैलकटा सेशन में आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, मींस सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन थ्री, वन एंड थ्री ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू हड़प्पाज, आपको बताना है हड़प्पा लोगों को इनमें से किस बारे में जानकारी नहीं थी। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स एंड फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्केड्स। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, बिकॉज वेल्स पिलर्स एंड ड्रेन्स के बारे में वो लोग जानते थे, लेकिन आर्केड्स के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। आर्केड्स क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसका जो टॉप होता है वो कर्व शेप का होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम, आपने बताना है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया जो है सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो है मुंडको उपनिषद, फोर्थ वन, फोर्थ इज इट्स आंसर, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते मोटो लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, आपने बताना है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट नीचे दिए गए कौन से सेक्ट में से थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन टू, महायान सेक्ट।
चलिए ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट काफी फेमस है, जैसे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बीच में डिफरेंसेस भी पूछते हैं गंधारा स्कूल एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गंधारा आर्ट जो है वो 1st century BC से 4th century AD के बीच में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्प्रेड हुई थी। और इसमें क्या है, जो बुद्धा के स्कल्पचर है उनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। और अगर हम महायान सेक्ट की बात करें तो ये किस में विश्वास करते थे, आइडल वर्शिप में विश्वास करते थे। इसके अलावा जो गंधारा आर्ट है वो ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें बुद्धा की इमेजेस को फोर हैंड गेस्चर के साथ भी दिखाया गया है। इसके जो डिफरेंट हैंड गेस्चर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से जैसे फर्स्ट है अभय मुद्रा, जिसका मीनिंग है डू नॉट फियर। सेकेंड इज ध्यान मुद्रा, जिसका मीनिंग है मेडिटेशन। थर्ड इज द धर्म चक्र मुद्रा, मीनिंग अ प्रीचिंग मुद्रा। फोर्थ वन इज भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग द अर्थ। और इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, ये है बामिया बुद्धा, जो कि कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, नेशनल इनकम बताना है किसके इक्वल होती है। जो ऑप्शंस दी गई है वो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। थर्ड इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। फोर्थ इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लेते हैं, तो ये फोर्थ वन एंड सेकेंड दोनों कट हो गए। लेकिन नेशनल इनकम में सब्सिडी को ऐड किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे सब्सिडीज मेंशन नहीं है। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन थ्री, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, आपने बताना है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में जो राइज होता है वो किसकी वजह से हो सकता है। वन इज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है। सेकेंड इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, जब एग्रीगेट टोटल जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कम हो जाती है। थर्ड इज एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड जब इंक्रीज हो जाती है। तो इन तीनों के, मनी सप्लाई इंक्रीज होने पे, एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज होने पे, इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होने पे इन्फ्लेशन होती है, मींस राइज इन प्राइसेस। सो इट मींस इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 and 3, मींस जो तीनों ऑप्शन दी गई है तीनों की वजह से ही जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में हाइक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, सेकेंड इज एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड इज डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, फोर्थ वन इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स, आपने बताना है जो हमें ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स दिए गए हैं उनमें से कौन से फैक्टर ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओशन करंट्स का टॉपिक जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी मेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर होते हैं जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स कौन सी होती है, जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज एटसेट्रा। ये वन प्रेशर बेल्ट से दूसरी प्रेशर बेल्ट में क्या करती है, ब्लो करती है। सेकेंड वन इज टेम्परेचर डिफरेंसेस, थर्ड वन इज सेलिनिटी डिफरेंसेस, फोर्थ इज अर्थ रोटेशन, फिफ्थ इज लैंड मास।
तो ये फाइव इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ओशन करंट्स को इम्पैक्ट करते हैं. कौन कौन से हैं? प्लैनेटरी विंड्स, जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया. सेकंड, जब टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं. थर्ड, सेलिनिटी डिफरेंसेस की वजह से. फोर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से. एंड फिफ्थ वन इज लैंड मास की वजह से. तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन से फैक्टर हमें इन ऑप्शंस में मिलते हैं. फर्स्ट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ. यस, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ओशन करंट इन्फ्लुएंस होते हैं. सेकेंड इज एयर प्रेशर एंड विंड. यस, एयर प्रेशर एंड विंड की वजह से भी होता है. थर्ड इज डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर. यस, ये डेंसिटी जो ओशन वाटर की, कितना सेलाइन वाटर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं. तो फोर्थ तो इसके ऑप्शन है नहीं. थर्ड एंड फोर्थ तो हो नहीं सकता. सो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन हमारा मॉनसून के ऊपर है. ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी डिस्कशन भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाद में ही होगी. अभी हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया गया है और इसको डिस्कस करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया. यस, सदर्न इंडिया से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके नॉर्दर्न इंडिया की तरफ मॉनसून पहुंचती है. तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो सदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ कम होती जाती है. तो दिस इज करेक्ट. सेकंड इज अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो टोटल रेनफॉल होती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होती जाती है. अगेन दिस इज करेक्ट. जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एनुअल रेनफॉल क्या होती जाती है? कम होती जाती है. तो दोनों ही इसके ऑप्शंस करेक्ट है. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3, बोथ 1 एंड 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन इनसाइड टनल टू कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. आपने बताना है इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है जो कि इनसाइड द टनल बनने जा रहा है और वो कौन सी स्टेट में है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का केलोंग स्टेशन जो कि लाहौल एंड स्पीति के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का पार्ट है. ये जो केलोंग स्टेशन है वो अपनी कंप्लीशन के बाद टनल के इनसाइड फर्स्ट रेलवे नेटवर्क बन जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इंडियन सिटी receives the UNESCO World Heritage City Certificate during the visit of General Audrey Azoulay, Directorate General of UNESCO's visit to India in February 2020. आपने बताना है इंडिया की किस सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट मिला है. तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया की पिंक सिटी जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट मिला है. मींस ऑप्शन 3. इस सर्टिफिकेट से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि लोकल इकोनॉमी भी वहां की स्ट्रेंथन होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. रिवर्स दी हुई है और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है सामने. हमने बताना है कौन सी करेक्टली मैच नहीं है. तो फर्स्ट इज यमुना मैच करी हुई है जलाल के साथ, सतलुज आंध्रा के साथ, ब्यास पिन के साथ, चिनाब नियर के साथ. तो जलाल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये करेक्ट है. स्पिन ब्यास की है, ये भी करेक्ट है. नियर चिनाब की, ये भी करेक्ट है. बट जो आंध्रा है वो पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि फर्दर टॉन्स रिवर में ड्रेन करती है. तो ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है. सो दिस वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2. मींस आंध्रा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी शिकारी देवी सेंचुरी इज. आपने बताना है शिकारी देवी सेंचुरी जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन से टाउन के पास है. ऑप्शन है जोगिंदर नगर, सरका घाट, पंडोर, सुंदरनगर. जिसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4, सुंदरनगर के पास. यहाँ पे शिकारी देवी टेम्पल भी है और ये कहाँ पे है? करसोग वैली के पास है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन
did A.O. Hume conceive the formation of Indian National Congress? शिमला टाउन के कौन सी बिल्डिंग में A.O. Hume ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन टू, रोहतने कैसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the first Indian hockey player to receive the International Hockey Federation Player of the Year Award 2019? आपने बताना है 2019 का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से इंडियन हॉकी प्लेयर को मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, मनप्रीत सिंह। चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।